हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आप सबका स्वागत है हमारे चैनल एसडी टेक में। तो दोस्तों, आज हम फोन पे स्टार्ट करने वाले हैं, वो भी बिना एटीएम कार्ड के। जी हाँ, जो आप फोन पे देख रहे हैं, इसे हम स्टार्ट करने वाले हैं बिना एटीएम कार्ड के। तो वीडियो शुरू से लेकर एंड तक देखते रहना। आज फोन पे विदाउट स्किप किए मैं पूरा स्टार्ट करके दिखाने वाला हूँ। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम 5000 सब्सक्राइबर्स के बहुत ही करीब है, तो जल्दी से जल्दी 5000 सब्सक्राइबर्स करवा दो। तो सबसे पहले हम फोन पे ओपन कर लेंगे। आपको इसे इंस्टॉल करवा लेना है गूगल प्ले स्टोर से। ऐसे करने के बाद कंटिन्यू विथ, ये आपका डायरेक्टली आपका फ़ोन नंबर कलेक्ट कर लेगा। आपको सिंपली फ़ोन नंबर पे टैप करके इसे अलाउ कर देना है। अलाउ करने के बाद ये कुछ ओटीपी सेंड करेंगे आपके मोबाइल नंबर पे। आपको लॉगिन, जो ओटीपी होना है उसको लॉगिन करवा लेना है। तो ओटीपी से अगर आपको लॉगिन करना है तो आप लॉगिन विथ ओटीपी कर सकते हैं, या फिर अगर पासवर्ड से लॉगिन करना है तो पासवर्ड से कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर मेरा पासवर्ड टैप कर देता हूँ। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं, मैं लॉगिन कर दिया हूँ। तो जो आप मेरा लोडिंग फ़ोन पे अकाउंट हो रहा है, वो लोडिंग हो रहा है। तो अब ये एक्सेस करने को बोलेंगे आपके कॉन्टैक्ट्स को, इसे आपको अलाउ कर देना है। इसके बाद ये आपके फ़ोन कॉल्स को मैनेज करने के लिए परमिशंस अलाउ करने बोलेगा। इसे अलाउ करके अलाउ ऑल द टाइम फिर से कर देना है। जैसे ही आप इसे अलाउ कर देंगे, इसके बाद आपका फ़ोन पे अकाउंट कुछ ऐसे सेट हो जाएगा। अब मेरे देख सकते हैं आप, बैंक अकाउंट एडेड पहले से ही एडेड है। अब आपको कैसे ऐड करना है, इसके बाद स्टेप आपको क्या करनी है। ऐसे करने के बाद सिंपली आपको फ़ोन पे को क्लोज कर देना है, फिर प्ले स्टोर पे चले जाना है और यहाँ पे पेटीएम सर्च कर लेना है। पेटीएम सर्च करने के बाद सिंपली इसे आपको इंस्टॉल करवा लेना है। अगर आपका नहीं है इंस्टॉल तो आप इसे प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लीजिए। पेटीएम ओपन करवा लेना है। पेटीएम ओपन करने के बाद सिंपली आपका पेटीएम ऐसे ओपन हो जाएगा। पेटीएम अकाउंट आपके पास में नहीं है तो आपको सिंपली पेटीएम अकाउंट बना लेना है। पेटीएम ओपन करने के बाद सिंपली नियर बाय स्टोर्स पर आपको क्लिक कर देना है, या फिर ऑल सर्विसेज पे क्लिक कर देना है। आप जैसे देख सकते हैं, माय पेटीएम में ऑल सर्विसेज इस पर टैप कर देना है। जैसे इस पर टैप करेंगे, सबसे नीचे आप देख सकते हैं एक्सप्लोर नियर बाय जो ऑप्शन दिख रहा है आपको, इस पर आपको टिक क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे, इसके बाद नियर बाय केवाईसी पॉइंट पे आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद ये लोकेशंस आपको इनेबल करने बोलेगा, इसे ओके कर देना है और फिर से ओके कर देना है। जैसे ही आप ओके करेंगे, आपके सामने कुछ ऐसे मोबाइल शॉपीज आ जाएंगी। अब आपको क्या करना है, इस मोबाइल शॉपी पे चले जाना है और वहाँ पे आपको आपका आधार कार्ड से केवाईसी करवा लेना है। केवाईसी करवाने के बाद आपका आपका जो है पेटीएम का वेरीफाइड अकाउंट बन जाएगा। वेरीफाइड अकाउंट बनने के बाद आपको पेटीएम पेमेंट्स बैंक भी मिल जाएंगे, जिससे आप ट्रांजेक्शन कर पाएंगे। अब इसके बाद आप जैसे ही वेरीफाई करवा लेंगे, वेरीफाई करवाने के बाद आपको फ़ोनपे ओपन कर लेना है। अब आपके फ़ोनपे में बैंक अकाउंट अगर आपको ऐड करवाना है तो आपको सिंपली माय मनी में चले जाना है। माय मनी में चले जाने के बाद आपका केवाईसी ऑलरेडी रहा होगा पेटीएम का। केवाईसी होने के बाद आप सिंपली यहाँ पे ऐड बैंक अकाउंट क्लिक कर देंगे। ये देख सकते हैं पेमेंट्स में बैंक अकाउंट, यहाँ पे जैसे ही आप टैप करेंगे ऐड न्यू बैंक अकाउंट, इसमें आपको पेटीएम पेमेंट्स बैंक सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि आप देख रहे हैं, मैं सर्च कर लेता हूँ पेटीएम पेमेंट्स बैंक। जैसे आप केवाईसी करेंगे, पेटीएम पेमेंट्स बैंक से आपका यूपीआई जो है स्टार्ट हो जाएगा फ़ोन पे। अकाउंट एडेड सक्सेसफुली, तो आपका यूपीआई से फ़ोन पे स्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद है आप सबको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम 5000 सब्सक्राइबर्स के बहुत ही करीब है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।